हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। 18 तारीख की वर्कशीट है, कक्षा एक के बच्चों के लिए। ये 111 नंबर की है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। आज हम लेटर के और आर के बारे में बात करेंगे। हेलो चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू सिंग राइम्स? लेट सिंग देम टुगेदर टुडे। आज हम एक साथ पढ़ेंगे इन राइम्स को। पहला है के, तो लेटर के बारे में जानते हैं। कैनी द कैंगरू किक्ड अ बॉल। कैनी द कैंगरू हैड अ ग्रेट फॉल। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कुंड हेल्प कैनी टू स्टैंड अप अगैन। एक बार फिर पढ़ेंगे। कैनी द कैंगरू किक्ड अ बॉल। Kenny the kangaroo had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't help Kenny to stand up again. तो के, अगर हम लेटर के की बात करें, के Kenny, के kangaroo, के kicked, के Kenny, kangaroo, king, king, Kenny. तो इसमें क की साउंड है। के में कैसी साउंड है? Kenny. अब दोबारा से पढ़ेंगे और देखेंगे। क की साउंड है पहले। कैनी कैंगरू किक किंग क। डिड यू नोटिस दैट दे ऑल आर स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ द लेटर के। ये सब शुरू हो रहे हैं के साउंड से। उसी तरीके से लेटर आर की बात करते हैं। रॉबिन द रैबिट वॉज ईटिंग अ बन। ही सॉ अ रैट सो ही वॉन्टेड टू रन। Rat asked the rabbit to be his friend. Both ran together and played under the sun. फिर से देख लेते हैं। Robin the rabbit was eating a bun. He saw a rat, so he wanted to run. Rat asked the rabbit to be his friend. Both ran together and played under the sun. To Robin, R Robin, R Rabbit, R rat, R run. तो आपके R की साउंड देखना, R और R में थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करके R की साउंड आती है R में। यहां से देखेंगे R से Robin, rabbit, rat, run। आपने अपने टंग को ट्विस्ट करना है, अपने टंग को आप रोल करेंगे। रोल करेंगे तो R की साउंड आएगी। R की साउंड कैसी होती है? R, ठीक है। Rat, Rabbit ran. और अब मैं आपको समझा देती हूँ। Robin the rabbit, rabbit का नाम है Robin, वो खा रहा था बन। उसने देखा एक rat, तो वो rat देखने के बाद he wanted to run, वो भागना चाहता था। Rat ने rabbit से बोला कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। तो दोनों साथ भागे और दोनों ने साथ खेला, played under the sun, sun के under, नीचे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कैनी द कैंगरू किक्ड अ बॉल। कैनी द कैंगरू हैड अ ग्रेट फॉल। कैनी द कैंगरू, कैंगरू का नाम है कैनी, उसने किक किया एक बॉल को और कैनी द कैंगरू हैड अ ग्रेट फॉल, वो नीचे गिर गया। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन, जितने भी किंग हॉर्स थे और किंग मैन थे, कुंड हेल्प कैनी टू स्टैंड अप अगैन, वो कैनी की मदद नहीं कर पाए उसको दोबारा उठाने में। स्टैंड अप मीन्स दोबारा उठाने में। डिड यू नोटिस दैट दे ऑल आर स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ लेटर के। हाँ, नोटिस किया। और यहाँ रॉबिन रैट एंड रन, डिड यू नोटिस दैट दे ऑल आर स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ लेटर आर। नोटिस किया बिल्कुल सबने कि आर से रॉबिन, रॉबिन आर से रैट, आर से रन। Name the pictures below, find out the sounds of the letters that they are starting with. Also practice writing the letters in your notebook. तो आपने क्या करना है? K से kite, पढ़ना इन्हें जोर जोर से। K से kiwi, K से kids, K से kettle. K से kite, K से kiwi, K से kids, K से kettle. इसी तरीके से R से Rose, R से robot, R से rain, R से rocket. R से rose, R से robot, R से rain,
आर से रॉकेट। अब यहाँ पे लिखना भी है के लेटर्स को और आर को भी लिखना है। के को कैसे लिखेंगे, वन ये, और छोटा के स्मॉल लेटर वाला ऐसे, कैपिटल आर वन एंड स्मॉल आर वन एंड लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट अस नेम द पिक्चर्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स इन आवर नोटबुक। तो हमें फर्स्ट लेटर लिखना है सिर्फ और नाम जोर से पढ़ना है। जैसे पहला है आर, रोड, ये है रोड तो पहला लेटर है आर। ये है की, कीज होती है ना, कीज चाबियां, तो के की कीज। अब ये हो गया रेनबो, आर रेनबो, अगला आर रिंग अंगूठी, के कीबोर्ड, के कीबोर्ड। अब मम्मी पापा के लिए सुझाव है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगली वर्कशीट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ बात कीजिए कि धुआं हमारी सेहत के लिए कैसे हानिकारक है, उन्हें लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद करने के फायदे भी बताएं। तो अब ये मम्मी पापा आपको बैठ के साथ में इन चीजों के बारे में बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो आपको उनके साथ बैठ के पूछना है कि ऐसा क्यों होता है। कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।